हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं टॉप 5 फार्मेसी कॉलेज ऑफ इंडिया के बारे में। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टॉप 5 रैंकिंग जो है वो कौन डिसाइड करता है और कैसे ये डिसाइड होती है। चलिए, वेलकम टू माय चैनल मरसार एकेडमी, दिस इज हिमांशु, लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक। सो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा टॉप 5 फार्मेसी कॉलेज के बारे में, तो मैं बताऊंगा ही, उसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता हूं कि ये जो रैंकिंग है वो कौन डिसाइड करता है। चलिए डिटेल में समझते हैं। देखिए, MHRD जो हमारा डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, उसमें एक कमेटी बैठती है NIRF, नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ये 2015 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि इस कमेटी में डिसाइड हुआ था कि ऑल ओवर इंडिया में, अक्रॉस द इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन के कुछ पैमाने सेट किए गए, कुछ रैंकिंग सेट की गई, उन रैंकिंग के हिसाब से उन इंस्टीट्यूट को रैंकिंग दिया जाता है, उनका इंस्पेक्शन होता है और उसके हिसाब से जो है रैंकिंग डिसाइड होती है। टॉप 5 फार्मेसी कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 पे आता है जामिया हमदर्द, जो कि न्यू दिल्ली में है। सेकंड नंबर पे पोजीशन पे जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। थर्ड पोजीशन पे है नाइपर मोहाली, एंड फोर्थ पोजीशन पे है ICT मुंबई, और फिफ्थ पोजीशन पे है नाइपर हैदराबाद। इसी के हिसाब से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, जिसमें कि आप पूरे के पूरे टॉप 100 रैंकिंग के जो इंस्टीट्यूट है ऑल ओवर इंडिया में, उसको आप चेक कर सकते हैं। ये रैंकिंग कैसे डिसाइड होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इंस्टीट्यूट की क्वालिटी एजुकेशन, रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग कैसी है और इंस्पेक्शन, उसका प्रॉपर वे में एजुकेशन जो है वो है या नहीं है, उस सारी की सारी चीज़ों को देखकर ऑल ओवर इंडिया में रैंकिंग डिसाइड होती है। ये रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि पिछली से पिछली बार अगर आप देखें तो नाइपर मोहाली फर्स्ट पोजीशन पे था और जामिया हमदर्द सेकंड पे था, तो वो ऊपर नीचे होते रहते, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आता। अगर आप, अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि सर हमारा जो कॉलेज है वो तो इस रैंकिंग में आता ही नहीं है, हम तो एक दूसरे कॉलेज से कर रहे हैं, अब हमारा कैसे करियर जो है उसके बारे में अगर आप सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। देखिए, अगर ग्रेजुएशन लेवल तक आपका कॉलेज टॉप 100 में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मेरा सजेशन ये रहेगा आपको कि अगर ग्रेजुएशन के बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आप करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको GPET क्वालिफाई करना चाहिए, और GPET क्वालिफाई करने के बाद ये रैंकिंग जो है वो कहीं ना कहीं आपके मैटर करती है, प्लेसमेंट में मैटर करती है, आपके आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में, बिकॉज पोस्ट ग्रेजुएशन आप कहाँ से करते हैं ये इंपॉर्टेंट रखता है, ग्रेजुएशन का इतना कुछ जो है इंपॉर्टेंट नहीं रखता। चलिए, तो कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इसी के साथ अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं तो ऐसे ही फार्मेसी की अपडेट सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।